चलो आ जाएंगे। एक वहीं पे फोटो कर लेते ना सर, गुरुजी गुरुजी प्रिंस भैया ये साइड। हाँ बस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो ले लो कोई। लगा किसे है यहाँ पे देख लीजिए, काट दीजिए। बोलो राम चंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज बाहर वाले अंदर, अंदर वाले बाहर। चलिए ठीक है, ओके। मेरा नाम रोशन सिंह हुआ, नमस्कार सबको, प्रणाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं। और ये हमारे अजित मित्र सोनू पांडे जी, सबसे करीबी मित्र मेरे, क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में एक शुरुआत है। अभी रोशन जी ने यहाँ पे स्टूडियो, इनका स्टूडियो पटना में भी है जो कि बहुत अच्छा चलता है। और दो भाई हैं, दोनों भाई काम करते हैं, एक गौतम जी भी हैं, इनके छोटे भाई हैं, वो भी म्यूज़िक का काम करते हैं, और ये रोशन जी हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं। तो अभी बॉम्बे में उन्होंने शुरुआत किया है, स्टूडियो खुला है, आज ओपनिंग है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। रोशन जी, मुंबई माया नगरी है, हर कोई यहाँ आने, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लग गया? आज सपना पूरा हुआ आपका, गाँव से शहर, गाँव से लेकर यहाँ तक पहुँचना। हर छोटे कलाकार का एक शौक होता है कि मैं बॉम्बे जाऊं, पहला सोच उसका वही आता है कि मैं भी बॉम्बे जाऊं, मैं भी बॉम्बे में रहूं। तो हमारा भी सोच शुरू से रहा कि कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा नाम करें जिससे हमारी एक चीज़ें आगे की बढ़े, और छोटा छोटा प्रयास करते करते आज यहां तक पहुँचे हैं। हाँ, इस बीच दौरान में बहुत सारे चीज़ें, बाधाएँ भी आती है, लेकिन है कि जब ऊपर वाला चाहते हैं और दिल साफ हो तो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। किस तरह के प्रोजेक्ट बनाएंगे आप? सबसे पहले हमारी जीव, मेरी जिससे पहचान है, मेरा जिससे नाम है, भोजपुरी जो मेरा मातृभाषा भी है, तो वो तो मेरा सर्वप्रथम है पहले। लेकिन इसके अलावा हिंदी भी है, मगही है जिसे हम बिलोंग भी करते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे। आपको बता दें कि जितने स्टूडियो हैं सब नॉर्थ वालों के ही हैं, यूपी बिहार के, जितने यहाँ पर आप बैठे हैं, तो एक नया नाम जुड़ गया रोशन जी के बारे में, क्या कहना चाहिए? कितनी बड़ी खुशी आपको इस चीज़ को लेकर? बहुत खुशी है, और ये अच्छी बात है कि हमारे आसपास में जितने भी हैं सब अपने मित्र लोग हैं, और मैं भी आके एक सम्मिलित हो गया, तो उम्मीद है सबका प्यार आशीर्वाद जैसे मिला वैसे मिल गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम गया आपको? प्रयास जो कब से सोच रहे? प्रयास काफी समय से रहा, ज्यादा टाइम से नहीं, लेकिन कि मैक्सिमम। मुंबई में बहुत सारे स्टूडियो है, आपके स्टूडियो में लोग क्यों रिकॉर्डिंग करा के? खूबी क्या है, फैसिलिटी क्या आपके स्टूडियो की? सबसे अच्छी देखिए आजकल भोजपुरी में, इनसे बोलने से पहले मैं बोल रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी खासियत है, ऐसे दो म्यूजिक डायरेक्टर हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, तो बहुत ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका जैसे काम होता है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो भोजपुरी में कमी है वो क्या है कि टाइम से किसी को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है? जैसे किसी ने टाइम दिया कि हम आपको 4 दिन बाद देते हैं, 10 दिन बाद देते हैं, ये चीज़ नहीं हो पाता है, पता चले कि 20 दिन लग गया। तो अभी का क्या है कि अभी जो स्थिति है रोशन जी का है, रोशन जी अगर बोलते हैं कि हाँ मैं 4 दिन बाद आपको देता हूँ, तो आपको 3rd दिन ही दे देंगे पूरा, तो ये हमारी सबसे अच्छी खास है। क्या जी, गलत बोलते हैं? और काम भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कुछ भी करने वाले। और क्या क्या कहना चाहिए स्टूडियो को लेकर? कुछ नहीं, बस आशीर्वाद बनाए रखे और एक बार सेवा का मौका दे। और बहुत जल्द वो दिखेगी। आप म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं, स्टूडियो लाइन में, तो इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके जो काफी पॉपुलर हुए हैं और उससे आपकी पहचान बनी रोशन की? गाने बहुत सारे हैं, एक गाना हम ही लोग का है जो कि अभी सबसे बड़ा गाना अभी बिहार का था, अभी लगभग एक साल से चल रहा है,
टेम्पो के ड्राइवर जो कि लगभग 150 से 200 मिलियन गाना हो चुका है, क्या लाइन है उसकी, जो इनका ही है गाना लिखा हुआ है, बल्कि क्या बोलते हैं इनका म्यूजिक किया हुआ, और कुंदन भाई लिखे, कुंदन प्रीत जी ने, होली का गाना था। बहुत सारे गाने हिट हैं, ड्राइवर वाला गाना, हाँ क्यों नहीं, वो भतर मोर टेम्पो के ड्राइवर झटका मरेला सखी, ये पंच लाइन था जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्यार दुलार दिया। फिर अंतरा सिंह प्रियंका का गाना सुनमक सिकरिया है, समर भाई का गाना है, अंकुश राजा का गाना, तो ये सब क्या ना कंटिन्यूटी, बहुत सारे गाने इधर हिट रहे हैं। आज आपके स्टूडियो में ओपनिंग है और काफी सारे सितारे और म्यूजिक डायरेक्टर भी पहुंचे हैं, मुन्ना जी हैं, क्या कहना है इनके बारे में, राजेश भैया है, मुन्ना भाई है, सब लोग आए, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा इस, और क्या है कि ये लोग बाहर के लोग नहीं है, सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, और कोई चीज परिवार में हो तो सारे लोग तो आएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, बस अब यही है कि बॉम्बे में है तो सब लोग जितने बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं सब लोग हमको प्यार दें, क्या जी आपको प्यार जरूर सर। सबके लिए अच्छा है, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे रोशन भाई। राजेश जी क्या कहेंगे आप? बस उन्होंने कहा वही कहूंगा, जोशन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं बी4 डिजिटल स्टूडियो के लिए। हम चाहते हैं कि संगीत में जैसे बहुत से स्टूडियो काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम करें, अच्छा म्यूजिक दें, अच्छा रिजल्ट दें, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। राजेश, काफ़ी टाइम से के बाद आज मुलाकात हुई, जरा भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत उतर पुथर चल रहा है म्यूजिक और लिरिक्स को लेकर के, जी चोरी का आरोप ज़्यादा लग रहा है, इस पर क्या कुछ राय देंगे, नए जो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर आ रहे हैं एक दूसरे को ज़्यादातर चोरी करके गाने को वायरल कर रहे हैं? ऐसा अभी नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत ही समय से हो रहा है, पहले कम था, पता नहीं चलता था, ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि लगभग सेम चोरी कर लेते हैं, चाहे धुन हो, धुन के तो कोई वैल्यू नहीं है, पैरोडी का काम चल रहा है, अब कंपोजिशन पहले होती थी अब कम होती है, और लिरिक्स से चोरी पहले भी होती थी आज भी होती है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो उथल पुथल को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, अच्छा काम तब भी होता था, अच्छा काम अब भी होता है। आप काफ़ी पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नए जो लड़के आ रहे हैं उनको संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में? मैं तो यही संदेश दूंगा जो आपने कहा उन्हीं बातों से रिलेटेड, कि कभी भी चोरी के काम में ज़्यादा ध्यान न लगाएं, चोरी के गीत हो चाहे चोरी का संगीत हो, इससे हट के थोड़ी मेहनत लगेगी, ओरिजिनल कंपोजिशन ओरिजिनल गीत देने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह भोजपुरी सिनेमा का संगीत का भविष्य बहुत अच्छा होगा। प्रिंस भाई, आए दिन देखा जाता है स्टूडियो मुंबई में खुल रहा है, क्या आपके अनुसार कई फिल्में जो एक्टर कर चुके हैं, भविष्य क्या है संगीत दुनिया में स्टूडियो का? नहीं, भविष्य अच्छा है, तभी तो खुल रहा है, लोगों का मांग है, जरूरत है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का, अभी खुल रहा है, एक नया पहलू है हमारा, जितना ही ग्रोथ हो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री सबके लिए अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है, सिंगरों के लिए अच्छा है, और आज ये खुले हैं, भगवान करे दो चार और रोशन भाई स्टूडियो बड़ा खुले, ऑल इंडिया में खुले, 2000 बीघा में, 2000 बीघा। क्या कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल? नया प्रोजेक्ट तो मैं गाने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं शुरुआत यहीं से करूँ, और 2-3 गाने मेरे हैं और मैं शुरू करता हूँ, ये नया प्रोजेक्ट है, काफी सारे हैं, 7-8 फिल्में बनी हुई है, जल्द रिलीज होगा, प्रोमो आ रहा है, फिल्में आ रही है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशन जी का, तो जैसे हम लोग सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम करें और हमारा भी सपोर्ट रहेगा और इनका भी हमको सपोर्ट रहेगा, तो मिलजुल कर सब काम करेंगे, यही है शुभकामना सर। स्टूडियो का आपका चोली दामन का साथ रहता है तो कितनी एक नई कड़ी जुड़ गई है, और अपने पटना से यहाँ शिफ्ट हो गए, शिफ्ट तो नहीं ब्रांच बन गई है, कैसा नया ब्रांच है, उधार नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुंबई में कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ हमने काम नहीं किया, चाहे यशराज स्टूडियो हो या कृष्णा NG या जितने बड़े स्टूडियो, सब जगह हमने काम किया है, यहाँ भी करेंगे, कोशिश करेंगे, रिजल्ट अच्छा रहेगा, साथ में काम करेंगे, जरूर करेंगे। रोशन जी से पहले कभी मिले, क्या क्या उनके स्टूडियो में पटना में कुछ काम किया आपने? नहीं, मैं एल्बम बहुत कम, समझिए कि एकदम 0.1% में एल्बम कभी करता हूँ, ज़्यादा फिल्म ही सब मेरे पास रहती है।
जाते कोई गाना डेलीगेट करेंगे इनके स्टूडियो के लिए, आज आप पहुंचे हैं, कोई गाना गाएंगे एक लाइन इस मौके पर? गाना? हाँ। कि धरती पर उतरल बचान बदरी के घूंघटवा डाल के, मन करे कसम से दे दे तहरा के, करे जा निकाल के, धरती पर उतरल बचान बदरी के घूंघटवा डाल के। थैंक यू बात करने के लिए। मैं महंत ब्रिज मोहन दास के सदस्य हूँ मेरा, और कहा गया हमारे सनातन धर्म में कि अयोध्या ने सदियों से पूरे विश्व में एक आईना दिखाया है, एक जीवन जीने की प्रवृत्ति दिखाई है, और अयोध्या की भूमि स्पर्श करने से व्यक्ति का जीवन धर्म में हो जाता है, और माँ सरयू में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। तो ये बी फोर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का आज उद्घाटन हुआ है, और इसके कर्ता धर्ता जो मालिक हैं रोशन सिंह जी हैं, गौतम सिंह जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, जिनके द्वारा इस स्टूडियो का निर्माण किया गया है, और सबको उम्मीद है कि इस स्टूडियो के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे गीत संगीत, समाज के गीत और समाज की और व्यवस्थाएँ, देश के गीत, मन जो भी सिस्टम है, मन सुंदर सुंदर गीतों का प्रचार प्रसार होगा, और जितने गायक हैं अच्छे अच्छे गायक आकर यहाँ पे गाए और उनकी आवाज़ को सुंदर से सुंदर बनाया जाएगा। और कुल मिलाकर इनका उद्देश्य यही है कि संगीत दुनिया में एक अपना अलग स्थान रखता है। मेरा मानना है अगर जीवन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन है, अगर उस टेंशन से उसको निकलना है उसको संगीत का सहारा लेना चाहिए, और जो व्यक्ति अगर संगीत का सहारा लेता है तो मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और उसके बाद संगीत तो है ही, क्योंकि भगवान शिव के जीवन में भी संगीत का अहम योगदान रहा है, और संगीत आज से ही नहीं अनादि काल से चली आ रही है ये परंपरा, वो परंपरा आज भी है। आज भी लोगों के यहाँ शादी विवाह उत्सव अच्छे कार्यों में गीत संगीत ही बजते हैं, और जिससे पूरा माहौल खुशहाल होता है। तो इतना सुंदर स्टूडियो का निर्माण हुआ है, तो मैं तो अयोध्या का संत हूँ, मैं तो दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि दिन दुना रात चौगुना ये स्टूडियो आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना। बहुत अच्छा लगा महाराज जी के साथ, आज पहली बार मैं बॉम्बे आया, और आते ही बहुत बढ़िया स्टूडियो का बी फॉर डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप इधर ही क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अब जितने भी दर्शक हैं, सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि महाराज जी के हाथों से इस स्टूडियो का, मेरे स्टूडियो का उद्घाटन हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने अपने बिजी समय में से मेरे लिए निकालने का अपना समय प्रयास किया। महाराज जी, वाराणसी में जो चल रहा है मस्जिद को लेकर मुद्दा, आप रखते हैं अयोध्या, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा विवाद है, क्या है ये मुद्दा? देखिए, मुद्दा जो बनारस का है, इस मुद्दे को मुझे लग रहा है कि सारे टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और जो इतिहास पुराण कह रहा है, तो अगर कोर्ट ने आदेश किया कि वहाँ पे जाकर उसका जांच पड़ताल किया जाए, क्या वहाँ गौरी जी का मंदिर है कि नहीं है, अगर है तो उसको चिन्हित किया जाए, तो अगर भाई सबसे बड़ा न्यायालय होता है, और जब न्यायालय आदेश किया, जब न्यायालय के लोग जा रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी करना, अभद्रता का व्यवहार करना, तो मुझे लगता है इस तरह करने से देश नहीं चल सकता है और समाज नहीं चल सकता है। तो ये वो लोग हैं जो समाज में तोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, कोर्ट अगर आदेश दे रहा है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपके पक्ष में आदेश होगा, गलत है तो नहीं होगा, जांच करने दीजिएगा, जांच में आपको क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में गिरावट है, कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि जहाँ यहाँ जबरन मस्जिद का निर्माण किया गया है, क्योंकि आप कहीं भी नंदी को देखेंगे तो भगवान शिव के सामने बैठे रहते हैं, मगर वो जो स्थल है आप देखेंगे कि नंदी
उधर वो किए, पीछे ये बना हुआ है। तो कुल मिलाकर वहाँ भगवान का त्रिशूल भगवान ने वहाँ फेंका था, गौरी जी का मंदिर का वहाँ स्थापना है, तो ये सत्य है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कानून के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न ना करें, और जो भी व्यवधान उत्पन्न करे उनको जेल में डाल देना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कानून ये कार्य करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी समाज हो, अगर कानून से लड़ने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो पागल हो चुके हैं, और वो कतई कानून से लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून सर्वोपरि होता है। और सबकी मांग है कि वहाँ बढ़िया से जांच होनी चाहिए, और जांच होकर जो सच बात है उस पर निर्णय होना चाहिए। ये भी कहना चाहूँ, कानून तो फैसला लेगा, न्यायालय फैसला लेगा, लेकिन धर्मगुरु जो होते हैं या धार्मिक संस्था से जुड़े लोग होते हैं, उनका भी काम होता है कि वो अपनी तरफ से पहल करें। तो क्या चाहते हैं कि क्या पहल? मैं पहल यही करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सबसे ही पहल करना चाहता हूँ, कानून के नियमों का आप लोग पालन करिए। कानून ने आदेश किया है, उसकी स्पष्ट जाँच होनी है। अगर आपका होगा तो आपको मिलेगा, आपका नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना, कुछ असामाजिक तत्व है जो समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। वो चाह रहे हैं कानून के बीच में तोड़ेंगे, यहाँ पे हम जांच नहीं होने देंगे, हम समूह लेके खड़े होंगे। जब वो समूह लेके खड़े होंगे तो हिंदू समुदाय समूह लेके खड़ा होगा, इन दोनों पक्षों में मारपीट और पूरा माहौल गंदा हो जाए। ये सिर्फ तोड़ने वाली व्यक्ति जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेक कर अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस समय जो सरकार चल रही है वो हमारी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार चल रही है। आज जो इस तरह का कृत्य करता है उसको बुलडोजर चलने में ज़रा भी देर नहीं लगता। महाराज जी जो कह रहे हैं उस बात को सहमत है, सभी साधु संत, ठीक है। और रही बात जो महाराज जी बोले हैं कि कानून व्यवस्था के तहत, आज राम मंदिर का फैसला भी जो आया वो कानून के तहत ही आया, ठीक है। और उस कानून को, उस फैसलों को सभी को माना है, धर्मगुरु हो गए चाहे हिंदू हो गए चाहे मुसलमान हो गए, सभी ने माना है। तो इसीलिए वहाँ भी जो भी कोर्ट आदेश कर रहा है उसको आप पालन करिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग अयोध्या से आ रहे हैं और काफी जुड़े हुए हैं मंदिर से भी, कब तक मंदिर निर्माण पूरा हो सकता है? मंदिर के निर्माण मुझे लग रहा है 24 तक हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। अभी परसों माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और सारे मीडिया बंधु वहाँ पे गए थे। जो जो काम हो रहा है बाकायदा उसको आपके टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और काम रोज बरोज तेजी से चल रहा है। मुझे लग रहा है प्रभु राम का मंदिर इतना भव्य और दिव्य बनने जा रहा है, कम से कम 1000 साल तक तो कहीं टस से मस नहीं होगा। इस तरह का मंदिर बन रहा है, उसमें कहीं भी गिट्टी मोरंग सीमेंट सरिया का उपयोग नहीं किया जा रहा, वो इस तरह के खांचे काटे गए, इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई है। ये ऊपर इधर की वो कहीं से भी कितना बड़ा भी अगर भूकंप आ जाए तभी वो मंदिर डोलने वाला नहीं है। किस चीज़ से बन रहा है? ये पत्थरों से मंदिर पूरा बन रहा है, लाल पत्थरों का पूरा मंदिर बन रहा है। इसके नक्काशी करने वाले तमाम कारीगर वहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। अब मुझे लग रहा है राम मंदिर का निर्माण जब तैयार हो जाएगा, राम मंदिर बन के, तो राम मंदिर ही नहीं अब तो राष्ट्र का मंदिर बन के तैयार होगा। क्योंकि आज मुस्लिम राष्ट्र में भी सिर्फ राम पूजे जा रहे हैं, इंडोनेशिया जो मुस्लिम राष्ट्र है आज वहाँ के राष्ट्रपति आके रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं। आज वहाँ जो सिक्का चल रहा है वो भी राम के नाम का चल रहा है। तो राम भारत के नहीं, राम इससे पूरे विश्व के नायक है। आज पूरा विश्व राम पे शोध कर रहा है, राम के चरित्रों पे शोध कर रहा है, अपने जीवन में राम के चरित्र को उतार रहा है। आप देखेंगे लंदन अमेरिका तमाम लोग आकर माथे पर चंदन लगा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा गा रहे हैं, रामायण की चौपाइयाँ गा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला समय में बिल्कुल राम राज की स्थापना होने वाली है, और जितने अधर्मी पापी है इनका सबका नाश होने वाला है। स्टूडियो में बैठे थे, गाना बजे आपका जय श्री राम का। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, अरे दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है,
हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, हो जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, ओ सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से ये कहती है कि डुबकी लगाने से मिलता आराम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है, लड्डू चने खिलाने से ये खुश हो जाते हैं, साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं, हनुमानगढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, हनुमानगढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, ओ जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, ओ जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा आपने चाहूंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी, मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है इस फील्ड में, तो किस तरह से आप बेटर बनने की कोशिश करेंगे, बेहतर बनने की कोशिश करेंगे? जो भी लेटेस्ट होगा वही बेस्ट होगा, जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सबको चलना है, और जहाँ तक हमसे बन पाएगा जितने भी कलाकार को जितना हमसे सुविधा या जितने उनको मैं आराम अपने तरफ से सेवा दे सकूँ जरूर कोशिश। महाराज जी कितने आभारी हैं, अपने बोलने से मैंने कहा, मैं बोल नहीं सकता हूँ। और एक कुछ और मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी के अंदर कुछ विवाद जो चल रहे हैं, मेरा मानना है कि भोजपुरी में तमाम अच्छे अच्छे कलाकार हैं, नेता हैं, उनको सामंजस्य के साथ कुछ लोगों को आगे आना चाहिए और आकर और चिन्हित करके कि बैठक करानी चाहिए आपस में, और जो भी 20 के अंदर जो भी मनभेद इधर उधर के हुए हैं उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आज भोजपुरी पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, इसकी खुशबू पूरे वर्ल्ड में जा रही है, भोजपुरी गीत संगीत कहाँ नहीं बज रहा, हर तरफ गीत संगीत शादी में विवाह में हर जगह बज रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ भोजपुरी समाज के अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और एक बैठक करके आपस का जो भी ये लड़ाई झगड़े इसको खत्म करके भोजपुरी को बिल्कुल साफ सुथरा बना के हर व्यक्ति को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर निर्णय लिया जाए तो आप लोग खुद में निर्णय ले सकते हैं, बैठकर एक कमेटी बना कर निर्णय करके कि भोजपुरी में साफ सुथरा गाना आना चाहिए बजना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आदमी 10 आदमी मिलकर एक कमेटी बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं और उस पर अच्छे से कार्य कर सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज भोजपुरी का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है और इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं अपने भोजपुरी में, इतने अच्छे अच्छे गायक हैं जिन्होंने जीरो से आज इनको हीरो है, आज इनका नाम देश विदेशों में पूरा गुंजमान हो रहा है, तो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपस में ना लड़े, मेरा मानना यही है कि भोजपुरी समाज के अच्छे लोगों को चिन्हित किया जाए तो लोग बैठ कर इसको आपस में बात करके इसको बड़े आराम से सॉल्व किया, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, एकदम हल्के हल्के मुद्दों के लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसको ख़त्म करके भोजपुरी को एकदम मजबूत किया जाए कि इसकी खुशबू और दुनिया में फैले, हर तरफ भोजपुरी की जय जयकार।